इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक कथा सुन लो, पूज्य बापू की कथा है, सुना रहा हूं। 84 में सुनाया था उन्होंने, तब मैं कथावाचक नहीं था, उनके ग्रंथों में लिखा है। एक महिला एक पुरुष की सेवा में 20 साल से रहती थी। लाला सेवा में रहती थी, लेकिन लाह नहीं भया। उसके मन में आया कि चलो विवाह कर लेते हैं। फिर एक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया और तीसरे दिन उनका शरीर शांत हो गया। विवाह विधिवत पंडित जी ने कराया, सिंदूर दान भया, अग्नि परिक्रमा भई, विवाह हो गया। पति के जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति पति की पत्नी के नाम ट्रांसफर हो गई। 20 साल वाली स्त्री आई, बोली मैं 20 साल से साथ में थी, मेरा भी हक होता है। कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने फैसला किया जो ब्याहता है उसी की सब है, रहता है उसका कुछ नहीं। ये क्या है समझना, बिना संस्कार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं। संस्कार में तो रहना ही पड़ेगा ना भैया। 3 दिन की ब्याहता सब ले गई और 20 साल की रहता कुछ नहीं पाई। प्लीज संस्कारों का आश्रय करें, संस्कार में रहिए, संस्कार बहिए, संस्कार ही कहिए। मेरे राम जी संस्कारों के पोषण करते, रामचरित्र संस्कार का चरित्र है। एक भी स्थल पर आपको रुग्णता नजर नहीं आएगी। कहने को तो चाहे जो कह लो, अब क्या जाता है। ऋषिवर से अनुमति लेकर भगवान विश्राम वन में भी करना चाहते हैं। कारण कहते हैं, मुनि उद्वेग गुण पावे को, क्यों? जो राजा ऋषि मुनियों को कष्ट देता है वो बिना अग्नि जलाए उसके ताप से स्वयं नष्ट हो जाता है। ऋषिवर वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थल बताए, 4-5 का दान कर लें फिर आगे के चरित्र को वंदन कर लें। देखिए यह प्रसंग मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है, आपकी धन्यता है। एक भगवान तो आपके हृदय में विराज रहे हैं। मुनि जी कहते हैं, सुन हो राम अब कहो मुनि के हंसिन जे
कान में कथा उतरे और हृदय रूपी समुद्र भरे नहीं। कान में कान कैसा तो समुद्र स्वभाव जैसा। आओ और आओ और आओ और आओ। बरेली में मुझे देर से बुलाया गया। आपकी जो कथा सुनने की श्रद्धा है उसको देख के लगता है हमको जल्दी आ जाना चाहिए। भाई कोई बुलाएगा तभी तो आएंगे। हम बिना बुलाए केवल ससुराल जाते हैं माँ से मिलने। माँ बुलाती नहीं, मैं अपने आप चला जाता हूँ, मिल के आ जाता हूँ। बिना बुलाए नहीं, लेकिन मैं श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया और ठीक भी था। ये तो काफी मीटिंग किए होंगे लोग, बहुत मीटिंग किए होंगे, बुलाएं न बुलाएं, कैसे बुलाएं। महाराज बड़े विकट लगते हैं, है नहीं लगते हैं क्या सुनील जी? है नहीं, अब मैं राघव जी की कृपा है क्या कहूँ, परंतु ठीक मैं आपको बोल चुका हूँ, रविवार को मैं घोषणा करूँगा कि अगली बार कब भेंट होगी। आएंगे अवश्य। आज मैं श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के साथ भी थोड़ा कीर्तन में बैठा था, तो मैं चाहूँगा कि मंडल के लोग एक दिन कथा के मध्य में कीर्तन करें। थोड़ा कथा का समय हम बढ़ा लेंगे थोड़ा, और वो इसलिए मैं चाहता हूँ, आज जब सुना हूँ तो मेरे को लगा कि ये श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल का स्वर्ण जयंती महोत्सव है, तो जब ये कीर्तन करेंगे तो हम कीर्तन यहीं ऊपर कराएंगे, उसको रिकॉर्ड करके फिर आस्था पर चलाएंगे। जब मेरी राम कथा आएगी तो पहले 10-5 मिनट कीर्तन आएगा। नीरज भैया पहले कीर्तन आएगा, मोनोग्राम श्री राधा माधव संकीर्तन के 50वें वर्ष पूर्ण होने पर यह रजत जयंती महोत्सव राम कथा नित्य आता रहेगा, तो आपका भी सीना दुना होगा, लोग फोन करेंगे तो आपका और आनंद बढ़ेगा। देखो लोगों को ये जागृति होनी चाहिए ना कि संकीर्तन करने वाले भी कुछ लीला करते रहते, इतना प्रसन्नता होती है। मैं तो और नहीं, मुझे लोगों के मन में जो भाव उत्साह का बनता है ये देख के हमें बड़ा। या कई लोग हमको बोले महाराज बहुत दिन से आपको सुन रहे थे, देख करके तबीयत गदगद हो गई। वाह वाह, इसके लिए मंडल को धन्यवाद करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भाव बना। तो कल हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कीर्तन कब होगा, एक घंटा हम लोग कीर्तन में रहेंगे कथा के साथ साथ, थोड़ा सा समय बढ़ेगा, 8:30 तक हो रहा है, 9 बज जाएगा, थोड़ा और पहले आ जाऊँगा तो दोनों का काम बन जाएगा, है ना। 4 बजे हम आते ही हैं यहाँ, थोड़ा आपको देर से देख के तब देर से आने लगा हूँ, नहीं तो मैं 4:30 तो बैठ ही जाता हूँ। तो थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे, आनंद होगा। अब 3 दिन तो बचा है, ब्रह्मा विष्णु महेश आनंद ले लो, न जाने का आनंद। तो भगवान से कहते हैं बाबा वाल्मीकि जी, कान समुद्र के समान, आंख चातक की भांति, ओ लोचन चातक, दर्शन आपका नित्य भगवान का दर्शन किया करो, नित्य भगवान उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम दर्शन करके आए चकाचक उठे घर के मंदिर में जाकर हाथों धोकर प्रणाम किए, ठाकुर जी ये मैं फिर आ गया। ले कई सोए तो सोए रह गए, हम जग गए। हम तो डेली जब जगते हैं तो भगवान को थैंक यू करते, प्रभु फिर जग गए, ले हो गया, सो गया सो गया, तो सोया सो गया। नेत्र की धन्यता भगवान के दर्शन में है,
चर्चा विग्रह साक्षात परमात्मा उठे, सरकार को जल पिलाया, चाय पिलाया, चकाचक। कई लोग चाय के बड़े विरोधी हैं, विरोधी हो तो आपके मुंह में थोड़ी कोई डाल ला, न पियो विरोध खूब करो। हमारा बाप पिता है तो हम भी लाला है, क्या बात जे जे। बहुत कुछ छोड़ना है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर सब छोड़ो, जो छोड़ सकते हो छोड़ो, जो छूट जाए छोड़ो, भजन छोड़ो और सब छोड़ो। भजन को पकड़ना है, सबको छोड़ना है। जस तुम्हार मानस विमल हंस निज मुक्ताल गुण गन चुने राम बसो। प्रभु आपके यश सलिल से गुण समूह रूपी मोती जिसकी जिह्वा चुने उसके हृदय में आपका वास। कथा का बहुत विस्तार है, कहीं भगवान त्रिदेव साथ रहते हैं माँ प्रभु भैया, कहीं सीताराम जी, कहीं भगवान। जो जिह्वा राम नाम गाती है ना, अरे कपट तजी गान, वहां राम जी अकेले वास करते। जस तुम्हार मानस विमल जहां श्रद्धा टीके भगवान में भेद न रखो। जो मैं राम कथा ही करने आया हूं इसलिए मैं आपको वहीं रोके रखता हूं। राम 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 जपु जी सदा सानुराग रे। कलि न विराग जोग जप तप गुरे राम नाम सब साथ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।